डेली राउंडअप पर आपका स्वागत है। आज की हमारी टॉप स्टोरी है कि बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो रिलीज किया। हम इसमें तीन मोटे मोटे मुद्दे देखेंगे कि ये कौन से चुनावी वादे इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में किए हैं। हम ये भी देखेंगे कि पुराने चुनावी वादों का कोई भी उस पर सवाल या कोई जवाब नहीं, कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं अभी तक। और तीसरा, कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर बीजेपी काफ़ी साइलेंट है, उन्होंने चुप्पी साधी हुई है। तो इन तीनों बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में जुड़े हैं प्रबीर पुरकायस्ता। प्रबीर, आपसे बात करने से पहले हम पहले अपने दर्शकों को जल्दी से दिखा दें एक छोटी सी झलक बीजेपी मैनिफेस्टो की। बड़े ही जोर शोर से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। आप अगर मुझे थोड़ा बता सके कि ये जो चुनावी वादे बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में रखे हैं, इनके बारे में आपका क्या सोचना है? देखिए, पहली बात तो है, बीजेपी की चुनावी मैनिफेस्टो पे इतना जोर नहीं है जितने और किस्म के जुमलेबाजी पे। तो एक तो ये मत सोचिए कि चुनावी मैनिफेस्टो उनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। चुनाव तो इस वक्त वो कह रहे हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में, ये नहीं है कि विपक्षी पार्टियों के और बीजेपी के साथ चुनावी एक लड़ाई चल रही है। ये तो कह रहे हैं कि अगर हमको वोट नहीं दिया तो इसका मतलब पाकिस्तान के लिए वोट दोगे। अब समझ ही सकते हैं तो इस पे मैनिफेस्टो और वादों का खास मतलब नहीं है। ये तो सिर्फ एक हाइपर नेशनलिज्म जिसे कहते हैं कि उग्र राष्ट्रीयवाद को पैदा करके वोट बटोरने की कोशिश है। फिर भी मैनिफेस्टो होती है, मैनिफेस्टो लोगों के सामने कम से कम पेश की जाती है कुछ हद तक। तो यहाँ पर भी उनके मैनिफेस्टो में कुछ चीज़ें उन्होंने पेश किया है। सबसे अहम बात है जो पिछले चुनाव में सबसे अहम मुद्दा था, नौकरी। 2 करोड़ यूथ को नौकरी मिलेगी वादा किए गए थे, उसके बारे में कोई बात है नहीं, उसके बाद में मैं आऊँगा। तो वादे उन्होंने क्या किए हैं? तो वादा उनका है कि इस बार किसानों के सवाल बड़े ज़ोर शोर से आ गया, उस तरह से एक्चुअली नौजवान लड़ाई में उतरे नहीं हैं जितने फार्मर्स उतरे हैं। तो किसान को नज़रअंदाज करना संभव नहीं है। तो उन्होंने फिर वही बात वादे किए हैं कि 2000 कुछ तक, 22 तक, 23 तक, 24 तक, पता नहीं किस साल तक, कि फार्म इनकम डबल हो जाएंगे, दुगना हो जाएंगे। उनका वादा पहले भी था कि 2022 तक डबल हो जाएंगे, उसका चर्चा नहीं है। फिर वह इनको बढ़ाने की, 2022 तक बढ़ाने की बात कर रहे हैं, अपने रिपोर्ट कार्ड की बात की, ये नहीं बताया कि बढ़ा कितना है। तो ये गायब है। पर फिर है कि 3 साल मिल जाएगा फिर 2022 तक करने का, तो उसके बाद और कोई नया वादा कर देंगे तो हो सकता है। दूसरी बात जो कह रहे हैं कि BPL फैमिलीज को नीचे, संख्या नीचे लाएंगे, 10% से कम करेंगे। इस पर सबसे बड़ी जो बीजेपी की इस वक्त रवैया रही है आंकड़ों के बारे में, आंकड़ा जब भी उनके लिए परेशानी पैदा करती है तो वो क्या करते हैं, आंकड़ों के वो कवर अप कर देते हैं, एकदम जो है उसको प्रकाश करने से रोक देते हैं। हमने अनएम्प्लॉयमेंट के साथ होते हुए देखा, हमने मुद्रास्फीति जब डीमोनेटाइजेशन हुई थी तब 2 साल तक तो पता ही नहीं चला कितना पैसा वापस आया है, क्या ब्लैक मनी जो कह रहे थे कि वापस नहीं आएगा, सचमुच सब वापस से चला आया, आंकड़े नहीं पेश किए। तो आंकड़ों के खिलाफ उनका ही उतना ही संघर्ष है जितना संघर्ष विपक्षी दलों के साथ है। तो इसीलिए आंकड़े जब आएंगे पूछने भाई कितना कम हुआ, तब शायद आंकड़े भी ना मिले। जैसे इस वक्त कितने लोगों की नौकरी दिए आपने, 2000 2 करोड़ की जो
नौकरी की घोषणा आपने की थी, उसका क्या हुआ? तो उसके बारे में कोई आंकड़े नहीं है। आंकड़े जो है सरकार उसको प्रकाश होने से रोक रही है। पर एक बात ज़रूर है, इन सब चीज़ों को अगर छोड़ दें कि लोन देंगे, ये देंगे, वो देंगे, पेंशन स्कीम देंगे छोटे शॉपकीपर्स को, क्योंकि छोटे जो दुकानदार थे वो बेरोज़गारी की कगार पे है, क्योंकि अपने फ्लिपकार्ट और अपने अमेज़ॉन को बड़े पैमाने पे खुले छूट दिए दिए है, और बड़े बड़े जो कंपनियां हैं वो भी इस तरह की जो छोटे दुकानदारों से कम्पीट करने के लिए अपने प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, जियो भी उसमें शामिल है। तो ये सब देखते हैं, उन्होंने ये भी कहा कि हम दुकानदार 5 लाख दुकानदारों को इन हम पेंशन स्कीम लागू करेंगे। तो ये जो है कि वादों की जो बात है, तो देखी जाएगी कि वादे बाद में जो वो क्या होगा उसके रिपोर्ट कार्ड अगले बार मांगेंगे। पर दो वादों पर नज़र डालना चाहूँगा। एक है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो बात है, जिसके बारे में बहुत साल तक चर्चा होती रही है, फिर वादे किए गए हैं 35A, जो कश्मीर एक बहुत बड़ा विवादास्पद चीज़ है, ये वादे फिर किए गए हैं। तो कश्मीर और अंदरूनी जो टेंशन, कम्युनल टेंशन पैदा करने के रास्ते पर बीजेपी रहा है पिछले 5 साल बल्कि ज़्यादा, तो वो उस रास्ते पर लगता है कि वो रहना चाहती है। काफ़ी सारे मुद्दों पे उन्होंने गंभीर साइलेंस रखी है, अपनी चुप्पी साधी हुई है। ये कौन से मुद्दे हैं, क्योंकि ये इनको बैकफुट पे रखने वाले मुद्दे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का, ब्लैक मनी का, इसके बारे में अगर आप बता पाएं। तो सबसे बड़ी बात पिछले बार के चुनावी वादों पे तो आप नज़र डालें, ब्लैक मनी याद है ना, 15 लाख सबके अकाउंट में जमा होने वाले था, क्या हुआ? ब्लैक मनी कहाँ गया? ब्लैक मनी जो कर रहे थे उसमें करीब 40-41 लोग जो है विदेश में है इस वक्त, यहाँ पर है ही नहीं, ठीक है ना, भाग गए। उनको वापस लाने की वादे किए थे, तो चल रहा है कुछ के ऊपर कार्रवाई चल रही है, पर कोई वापस तो आया नहीं। दूसरी बात ब्लैक मनी, सब जानते हैं कि चुनावी खर्चे ये भी एक ब्लैक मनी का अंग है, और बहुत बड़ा ब्लैक मनी जो है चुनावी खर्चे में इस्तेमाल होता है। छोटे पार्टियां नहीं कर पाती, उनके पास इस तरह के ब्लैक मनी होने की संभावना नहीं है, और जो संघर्ष करते गरीबों के लिए उन पार्टियों के पास भी ये साधन होती नहीं है। बीजेपी ने इलेक्शन बॉन्ड का स्कीम लागू किया, और जेटली साहब घोषणा कर रहे हैं रातों दिन कि इलेक्शन में हमने ब्लैक मनी ख़त्म कर दी। उन्होंने क्या किया है, इलेक्शन बॉन्ड के ज़रिए कोई भी दुनिया में कोई भी कंपनी, विदेशी हो देशी हो, कितना भी रकम इलेक्शन बॉन्ड के ज़रिए किसी भी पार्टी के दे सकता है, और उसका 95% इलेक्शन बॉन्ड का पैसा बीजेपी के पास गया। इसका मतलब आपने ब्लैक मनी चुनाव में लाने का एक वाइट रास्ता बना दिया है, यही इलेक्शन बॉन्ड स्कीम का मतलब है। इलेक्शन कमीशन भी इसकी मुखालफत कर चुकी है, पार्टियाँ इसकी मुखालफत कर रहे हैं, पर बीजेपी लगातार ढिंढोरा पीटे जा रहा है कि हम इलेक्शन को मुक्त कर दिया ब्लैक मनी से, हमने सब मनी ब्लैक मनी को वाइट कर दिया इलेक्शन बॉन्ड बना के। तो रबीर, इनफैक्ट हम लोग ने अभिसार शर्मा से भी इसके ऊपर बड़ा ही डिटेल डिस्कशन किया। अगर हम अपने दर्शकों को उनके शो बोल में से एक छोटा सा एक्सर्प्ट दिखा सकें, आज ही के बीजेपी के मैनिफेस्टो को एक एनालाइज करते हुए उन्होंने भी एक टिप्पणी करी है, अगर हम उसको भी प्ले कर सकें हमारे व्यूअर्स के लिए। बधाई हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप इतिहास के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हो गए हैं जिसने अपने कार्यकाल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित नहीं किया, पत्रकारों के सवालों के जवाब नहीं दिए, और आज आपके पास स्वर्णिम मौका था। मोदी जी, आप जानते हैं जब भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र जारी हुआ, यह चर्चा थी कि हो सकता है कि मोदी जी 6-7 सवालों के जवाब दें, मगर आपने उस मौके को भी गवा दिया। इन तस्वीरों के जरिए राजनाथ और सुषमा स्वराज मोदी जी को कुछ समझा रहे हैं और मोदी जी उसे नजरअंदाज कर रहे हैं। चर्चा यह है कि शायद सुषमा स्वराज और राजनाथ जी ने उनसे अपील की कि आप कुछ सवालों के जवाब दें। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं दोस्तों, क्योंकि जब कांग्रेस का संकल्प पत्र या कहा जाए घोषणा पत्र जारी हुआ, तो उस वक्त
उस वक्त मैं आपको बताना चाहूंगा कि राहुल गांधी ने सवालों के जवाब दिए। जी हां, मैं जानता हूं मोदी जी कि आप जो अपना रुतबा है, अपना जो एक ऑरा है, वो राहुल गांधी से कहीं ऊंचा मानते हैं, देश की जनता भी ऐसा मानती है, मगर सवाल ये नहीं है दोस्तों। सवाल यहां पर ये है मोदी जी कि जब आपका मुकाबला कांग्रेस से और आपकी हर स्पीच में कांग्रेस का जिक्र है, तो जब राहुल गांधी जो सत्ता में नहीं है वो सवालों के जवाब दे सकता है, तो आप क्यों नहीं दे सकते? वेलकम बैक टू न्यूज़क्लिक्स डेली राउंडअप, वेयर वी लुक एट सम ऑफ द अदर मेजर स्टोरीज टुडे। आई एम प्रशांत एंड आई एम सुमेधा। यस्टरडे अप्रैल 7th वाज द फर्स्ट डे ऑन द बैन ऑन सिविलियन ट्रैफिक इन द बारामूला उधमपुर हाईवे इन जम्मू एंड कश्मीर। दिस बैन वाज रिसीव्ड बाय मैसिव प्रोटेस्ट बाय पॉलिटिकल पार्टीज एंड रेजिडेंट्स हु कॉल्ड इट अ वायलेशन ऑफ देयर राइट्स। पीपल केम आउट ऑन टू द स्ट्रीट्स protesting this move, which paralyzed life in the valley. The ban was enforced at 4 a.m. in the morning and lasted till 5 in the evening. Residents reported that barricades and other mobile platforms were set up to bar all access to the highway. The supply of goods and essentials from South Kashmir to Srinagar was also affected. Among those who suffered were hundreds of students who wished to write the entrance exam to the Aligarh Muslim University. Speaking to Newsclick, one student said that as many as 600 students might have been affected. Magistrates were deployed on the highway to issue emergency passes. Even a wedding party was thoroughly checked and scrutinized before permissions were given to the groom and 12 of his companions to go for the wedding. The decision was announced last week in the light of the Pulwama attack and an abortive attack on a CRPF convoy in Benihal. The government claimed that this was to ensure security protection for the security forces ahead of the elections. However, civil society groups have condemned this act and said it's a violation of the rights enshrined in the Indian Constitution. Many experts have pointed out that other options should have been considered, such as arranging special trains for the troops or even airlifting them. The highway is actually the lifeline for Jammu and Kashmir, and the ban will go on till May 31st. जहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार से लोगों की शिक्षा, उनका रोज का जीवन कितना प्रभावित हुआ, हमारी दूसरी कहानी के लिए हम आपको बताने वाले हैं मगध यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के इश्यूज़ के बारे में। करीबन 4.5 लाख बच्चे मगध यूनिवर्सिटी में अभी आंदोलन छेड़े हुए हैं। उनका आंदोलन प्रशासन के खिलाफ है। इस आंदोलन का नाम है मगध यूनिवर्सिटी लेट एग्जाम आंदोलन। ये लेट एग्जाम्स जो बच्चों के फ्यूचर के साथ एक खिलवाड़ कर रहे हैं, वो बच्चे जिन्होंने 2016 और 17 में यूनिवर्सिटी में एनरोलमेंट किया था, उनका अभी तक एग्जाम्स नहीं हुए हैं। वो उनकी परीक्षाओं की वजह से, उनकी डिले में जो डिले हुआ है मगध यूनिवर्सिटी के बच्चों की परीक्षाओं में, उसकी वजह से उन्हें ये आंदोलन छेड़ना पड़ा। प्रशासन के गैर रवैये के कारण उन्हें यूट्यूब और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस आंदोलन को प्रचारित करने की ज़रूरत आ पड़ी है। आइए देखिए कि मगध यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स आखिर क्या कह रहे हैं। बिहार में मगध नामक एक यूनिवर्सिटी है जिसने बच्चों की जिंदगी को तबाह करने का ठेका ले रखा है। हमारी स्थिति ऐसी हो गई है कि जिस बैच को अभी अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना चाहिए, उनका अभी तक सेकेंड ईयर का भी एग्जाम नहीं हुआ है। और 2017 की व्यथा जब आप सुनेंगे तो आप बिल्कुल शॉक्ड हो जाएंगे कि क्या दुनिया में ऐसा भी कहीं होता है। 2017 में जिन स्टूडेंट्स ने मगध यूनिवर्सिटी में ये सपना लेकर एडमिशन कराया था कि 2020 तक उनको अपना ग्रेजुएशन की डिग्री उनकी हाथ में मिलेगी, आज 2019 के 3 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने एक भी एग्जाम के मुंह नहीं देखे। गवर्नर ऑफिस गए, सीएम ऑफिस गए, गवर्नर ऑफिस तो 2 बार गए। हम इन सब से हार कर, हमें कोई अपॉइंटमेंट नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। हम इन सब से हार कर प्रशासन के पास गए कि हमें पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए एक परमिशन दे दीजिए, पर वहां से भी हमको निराशा प्राप्त हुआ। इन छात्राओं की कहानी एक काफी ही आक्रोश और पीड़ा की कहानी है। ये वो लोग हैं जो आज के बाद हमारे देश का भविष्य बदलने और बनाने के लिए ट्रेन किए जा रहे हैं, पर इन लोगों की शिक्षा के साथ किस तरह का खिलवाड़ हो रहा है, ये आप सभी को हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इन छात्राओं की डिग्रीज जो इन्हें 3 साल तक में मिल जानी चाहिए थी, वो उन्हें 5 साल तक अब नहीं मिलेंगी। जिस प्रकार के चुनावी मौसम में हम आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ पे बेरोजगारी का मुद्दा एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा बनता जा रहा है, शिक्षा जो है वो कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उस पर प्रशासन का क्या रवैया है, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो अभी भी हम सबके सामने हैं। इसी के साथ
हम अपने दर्शकों का धन्यवाद करना चाहते हैं जिन्होंने आज का एपिसोड देखा डेली राउंडअप का। न्यूज क्लिक की अन्य स्टोरीज को फॉलो करने के लिए जाइए हमारी वेबसाइट पर www.newsclick.in। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।